बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने आज पहना है एक ड्रेस जो मैं दिखाती हूँ आपको। बताती हूँ ये मैंने क्यों पहना था। ये मैंने इसलिए पहना था क्योंकि मैं बना रही थी कुछ वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़ और रील्स, जो मैं कुछ एक शेयर कर चुकी हूँ और कुछ अभी शेयर करूँगी अपने यूट्यूब पर। तो मैं भी दिखाती हूँ आपको अपना पूरा ड्रेस कि ये कैसा लग रहा है। दीदी की पहाड़ी ड्रेस जो इसने आज पहनी है काफ़ी दिनों बाद पोस्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि इसको लग रहा था कि ये क्या ये ड्रेस इसको टाइट तो नहीं होगी। टाइट हो चुकी थी, नहीं आती थी मुझे, पर अभी देखिए इसने तो अब वेट लॉस काफ़ी कर लिया है। मैंने काफ़ी वेट लॉस कर दिया है, अभी कर भी रही हूँ। अभी मैंने कुछ एक चीज़ें अवॉइड किए खाने से, फास्ट फूड स्वीट्स वगैरह वो नहीं खा रही होगी। तो अभी देखते हैं, मेरा पहले 453-455 इससे ज़्यादा कमी होगा, पर अभी जो प्रेगनेंसी के बाद हो गया था 72-73 कुछ इतना, और अभी है 63। कुकु बहुत ध्यान से सुन रही है। देखते हैं मेरी जर्नी कैसी रहती है ये वेट लॉस की। तो अभी मैं पहुंची हूँ 63 पे, तो अभी करूँगी इसको कंटिन्यू। तो बस अभी ड्रेस उतार दो और बुन्नू को संभालो और इसको नहलाओ। और इस ड्रेस में आप मेरी वीडियो देखोगे, कुछ एक शॉर्ट्स वीडियो और कुछ रील्स इंस्टाग्राम पे भी। तो बस जाओ देखो, एंजॉय करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारे कमेंट्स करो और वीडियो को लाइक करो। ओ मेरा गुनगुन, ओ मेरा गुनगुन। घुमा देती हूँ, इसको भी बनाएंगे हम ऐसी ड्रेस, इसको भी बनाएंगे गुन्ने को हम ऐसी ड्रेस, गुन्ने को भी बनाएंगे हम ऐसी ड्रेस। जब इसको उठाते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अभी सो के उठी है अभी। स्ट्रॉबेरी इसकी फेवरेट है, स्ट्रॉबेरी अच्छे से खाती है। गंदा कर दिया माउथ, गंदी बच्ची कुकू। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना हेड वॉश करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि 2 दिन के बाद मैं हेयर वॉश करूँगी जब मैंने सिल्क थेरेपी करवाई थी। तो बस फाइनली भी जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे खुले बाल छोड़ के ना बिल्कुल आगे ऐसे पूरे फेस पे आए, इतना इरिटेट हो गई हूँ मैं इनसे 2 दिन से लेकर, बस अभी यही वेट कर रही थी। तो अभी भैया ने बुलाया, तो बस अभी मैं जाती हूँ और पहले हेयर वॉश कराती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं इनको बांध सकती हूँ, पिनअप कर सकती हूँ। अभी दिन के बजे हुए हैं 2 और अभी भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, हमने लंच भी नहीं किया क्योंकि सुबह से बस ऐसे ही बिजी थे, क्या किस किस काम में लगे हुए। तो अभी बस लंच करने लगी थी मैं, उतने में भैया का कॉल आया कि आप अभी आ जाओ, क्योंकि फिर उनके पास बहुत बिजी रहता है शेड्यूल, तो बोलते हैं अभी आ जाओ भी खा लिया। तो बस फिर मैंने सोचा पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद आकर लंच करूँ, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम तो वहाँ पर लगेगा नहीं, बस शायद हाफ एन आवर या 20-25 मिनट्स ही लगने हैं, उसके बाद ही खाऊँगी अब खाना। तो ये मैं पहुँची यहाँ देखो सैलून के बाहर, अभी बस जाती हूँ अंदर। अभी मैं आ गई हूँ हेड वॉश के लिए, मैं पहुँच गई हूँ सैलून और ये है यहाँ पे भैया जो कभी करे मेरा हेड वॉश। एक दूसरे भी है वो है नहीं, हाँ वो बाहर गए हैं। तो बस अभी यही करेंगे मेरा हेड वॉश और अभी ये देख रहे हैं मेरी वीडियो, उसमें आवाज़ आ रही होगी। इतनी इरीटेट हो गई ना मैं, अभी इनके साथ खुले रखने पड़े ना, बांध नहीं पा रही हूँ 2 दिन से, भगवान में इतना वेट करी थी। करके देखो अभी बाल मैंने ब्लो ड्राई नहीं किए, थोड़े थोड़े किए, क्योंकि ना अगर ब्लो ड्राई करते हैं तो फिर उससे भी स्ट्रेट हो जाते हैं, तो रिजल्ट का पता नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया, हल्के हल्के करवाया ताकि ये नेचुरली सूखे और मुझे पता चले कि कैसी हुई है मेरी सिर्फ थेरेपी। तो बस अभी यहाँ पर सामने एक शॉप है, वहाँ पर ले लेती हूँ कुछ सामान, दूध वगैरह, क्योंकि रूम पर दूध ख़त्म हो गया था।
तो बस अभी मैंने ये देखो यहाँ पे ले लिया है सामान जल्दी से रूम पे, क्योंकि मुझे बहुत भूख भी लग रही है और अभी टाइम भी 3 बज गया है शायद। इतनी ज़्यादा जोर की भूख लगी है ना चलने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो गई है। बस 5 मिनट्स वॉकिंग मेरा रूम बस यहाँ पे रोड क्रॉस। ये मैं पहुँची हूँ रूम के बाहर, अब बस थोड़ी सी स्टेज और फिर फाइनली रूम। और अभी मीनाक्षी ने मेरे से मुंह उठा लिया है, क्योंकि ना जब मैं नीचे आ रही थी ना तो वो व्लॉग बना रही थी, मैंने उससे पूछा कि तू किसका बना रही है, तो उसने कहा कि मैं तो ये खुद का बना रही हूँ, तो मुझे लगा वो खुद की कोई वीडियो बना रही होगी। तो मैं भी नीचे आ गई, तो फिर जब मैं बाहर आ गई थी फिर बोलते कि हाँ तू बस जा, उसने शायद मुझे लाना था अपने व्लॉग में, मैं तब तक आ गई थी बाहर। तो अभी बैठी होगी मुँह फुला के रूम पर, अभी देख रहा हूँ उसके रिएक्शन ऐसे होगा मुँह बनाया। तो चलो थोड़ा सा पहले उसके व्लॉग में भी आऊँगी, हाँ क्योंकि 2-3 दिन से उसने मेरी बहुत हेल्प की है कुकू को देखने में भी और बाकी सब चीज़ों में भी। तो बस अभी देखो मैं पहुंच गई हूँ रूम में और अब मैं दिखाती हूँ उसका रिएक्शन आपको, मैं ऐसे मुंह बना कर आ रही होगी। ये इसने मुंह भगवान, जब मेरी डाइटिंग चल रही है तो तू ये सब क्यों लेकर आ रही है, भूख से यहाँ पागल हो गई। राइस मिल गया, राइस मैंने सोचा चलो उसके बाद। हाँ तो उन्होंने उसके बाद वो नहीं किया अपलोड ड्राइव का? नहीं मैंने करवाया नहीं, क्योंकि फिर नेचुरल दिखते नहीं है ना कि कैसे हुए हैं, हल्का सा करवाया मैं, कराने दो ऐसे। हाँ। कैसे लग रहे? हाँ ठीक है बढ़िया। ये एवरीवन, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, तो आपने कहीं भी मेरे ब्लॉग में भी सुना होगा और एक ब्लॉग में और सुना होगा कि हमारी फैमिली में कोई डाइट नहीं। कैमरा थोड़ा गिर गया था कि आपने सुना होगा कि हमारी फैमिली में इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर रही है ये कि कोई डाइटिंग कर रहा है। तो मैं देख आपको दिखाती हूँ कि वो डाइट कितनी स्ट्रिक्ट चली हुई है। मैं दिखाती हूँ अभी आपको उस डाइट कॉन्शियस पर्सन को, ये देखो स्ट्रिक्ट डाइट पे है। कुकु दे दो, दे दो, दे दो, नहीं देगी, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, कुकु आंख दो कितनी बड़ी। ये देखो एक है ये, ओ and the other one is here, enjoy today sunday oh wednesday aaj ye dekho sunday nikal gaya na aur ye raha samne dabba jisse ye beech beech mein khali dikh raha hai na ye dekho ye space ye sara isne saaf kiya hua hai aur jo baki ab left hai wo ab iske liye hai कुकू को मैंने ना वॉकर पे रखा हुआ था, ये इधर थी मेरे पाँव के पास बिल्कुल यहाँ पे। और ये देखो इसको ना अभी इसमें उल्टा चलती है, देखो कहाँ पहुँच गई उधर, अभी आगे आ रही, इसको लग गया ना कि मैं कहीं गलत जा रही हूँ। कुकू इधर आओ, शाबाश इधर आ जाओ, आगे आ गया, इधर लाओ अपनी गाड़ी, इधर लाओ, इधर लाओ अपनी गाड़ी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ शाबाश, आ जाओ आ जाओ, आगे आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ शाबाश।